आई हैव रिप्लेस सम एक्टर, बट स्टिल इतना प्यार जो सब लोगों ने मुझे दिया. 1% लोग ऐसे हैं जो कैरेक्टर के साथ साथ एक्टर से भी कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो कुछ 1% लोग हैं जो जिनके लिए थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनका ऑब्वियसली उनका फेवरेट एक्टर अगर उनको नहीं दिखेगा उस कैरेक्टर में तो थोड़ा तो दुख होता ही है. मॉक शूट चैनल में प्रेजेंट किया एंड सब जगह से ओके हो गया. देन दे टोल्ड मी, उनको शायद पता होगा पहले से, बट तब उन्होंने रिवील किया कि ये इट्स फॉर ये रिश्ता क्या कहलाता है, और ऑब्वियसली मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था. आई थिंक फैंस के लिए मुश्किल होगा शायद डाइजेस्ट करना इनिशियली, लेकिन एज एन एक्टर तो मुझे आके सीन्स परफॉर्म करने हैं और जो कैरेक्टर का बैकग्राउंड है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है जितना भी मैं ले सकूँ, एक्टर्स से, डायरेक्टर से, क्रिएटिव से, मेकर से, पूरी टीम से. सो वही हम लोगों ने किया सब लोगों से. मैंने कुछ रिसेंट एपिसोड्स भी देखे तो थोड़ा आपको आइडिया लगता है. एंड फिर अब जिनके साथ भी सीन करते हैं तो मैं एक बार पहले पूछ लेता हूँ कि ये रिश्ता क्या कहलाता है. मतलब जैसे अगर मैं फूफा के साथ सीन कर रहा हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या है. तो सब लोग बहुत ही अच्छे, बहुत ही स्वीट, एंड दे ऑल आर वेरी वेरी हेल्पफुल. सो बहुत मेरी हेल्प कर रहे हैं. एंड आई थिंक अब मुझे ऑलमोस्ट 7 days हो गए हैं, इट्स ऑलमोस्ट अ वीक सिंस आई एम शूटिंग, सो आई एम प्रीटी मच लाइक ऑन ट्रैक नाउ. लुक, या लुक मेरे को स्पेक्स लगाने हैं क्योंकि थोड़ा सा स्पेक्स से सॉफ्टर लुक जो हो जाता है. एंड मैंने हर शो में, अगर आप मेरा देखोगे पूरा करियर इतने साल हो गए, मैंने हर बार कोशिश की है कि कुछ डिफरेंट लुक हो, सेम रोहित हर शो के अंदर दिखाई ना दे. सो मैं भी ये शो के अंदर एक्चुअली मैं ढूंढ रहा था कि वो ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से लुक थोड़ा डिफरेंट लगे. सो फर्स्ट आई यू नो ट्रिम्ड माई हेयर, एंड देन स्पेक्स ने वो काम कर दिया जो मैं सोच रहा था, जो कुछ थोड़ा डिफरेंट बना सकता था. सो ये राजन सर का कॉल था कि स्पेक्स लगाते हैं, एंड अब धीरे धीरे करके लोगों को आदत पड़ जाएगी. सो बट लोगों ने बहुत तारीफ़ की है कि ऑन स्क्रीन लुक बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही पॉजिटिव एक आ रहा है, जो कि अल्टीमेटली वी वांटेड टू अचीव दैट ओनली. नहीं, डर नहीं होता. देखो, जिम्मेदारी के साथ साथ मुझे लगता है करेज भी साथ में आता है. जब आप फिर जिम्मेदारी पड़ती है तो आपके अंदर ऊपर वाला एक हिम्मत भी देता है, और फिर उसके साथ साथ अगर इतनी अच्छी टीम हो तो वो जिम्मेदारी आपकी शेयर्ड हो जाती है. सो मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है, टीम इतनी अच्छी है यहाँ पर, सब लोग इतना मिलजुल कर काम करते हैं कि अल्टीमेटली एक्टर का काम बहुत आसान हो जाता है. सो जिम्मेदारी है उसका मुझे भरपूर एहसास है, नो डाउट, बट मैं यही कर सकता हूँ कि मैं अपना 100% दूँ. फैंस को मैं सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि इतना बड़ा फैंडम है ये रिश्ता क्या कहलाता है का अक्रॉस द वर्ल्ड, और 99% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बहुत ही प्यार से वेलकम किया है. इवन दो आई हैव रिप्लेस सम एक्टर, बट स्टिल इतना प्यार जो सब लोगों ने मुझे दिया. 1% लोग ऐसे हैं जो कैरेक्टर के साथ साथ एक्टर से भी कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो कुछ 1% लोग हैं जो जिनके लिए थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनका ऑब्वियसली उनका फेवरेट एक्टर अगर उनको नहीं दिखेगा उस कैरेक्टर में तो थोड़ा तो दुख होता ही है. बट मेरी भी ज़िद है और मैं भी अपने काम से पूरी कोशिश करूँगा कि वो जो 1% हैं वो भी धीरे धीरे कर मुझे एज अरमान एक्सेप्ट कर लें, एंड उतना ही मुझे प्यार दें जितना वो जितना बाकी एक्टर्स को या पुराने वाले अरमान को उन्होंने दिया. अबीरा के साथ में अच्छा बॉन्डिंग है. सी, अभी तो हमने बहुत कम दिन काम किया है, साथ में शूट किया है, बट आई थिंक शी इज़ वेरी प्रोफेशनल. इवन एवरी एक्टर इज़ वेरी प्रोफेशनल हियर. तो अबीरा के साथ में वैसा ही. सी, यहाँ पर एक्चुअली क्या, इतना बैक टू बैक सीन्स होते हैं तो देर इज़ नो ऑफ स्क्रीन बॉन्ड, इट्स ऑल ऑन स्क्रीन, क्योंकि टाइम आपके पास ऑफ स्क्रीन के लिए मिलता ही नहीं. यू कांट इवन सेट इन योर मेकअप रूम फॉर 5 minutes. सो बहुत अच्छा बॉन्ड है सबके साथ में, ना सिर्फ अबीरा के साथ में, पूरी फैमिली के साथ में बहुत अच्छा बॉन्ड है.